विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपने गर्म तेवरों के लिए जाने जाते हैं। फतेहाबाद के गांव नाड़ौली में आयोजित कार्यक्रम में गांव के ही सरपंच नरेंद्र के नहीं पहुंचने से एक बार फिर मंत्री का तीखा अंदाज देखने को मिला। देवेंद्र बबली ने सरपंच के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वह कोई गलत फहमी ना पाले, जनता ने एकमात्र वोट से उनको जिताया है और गांव के विकास के लिए चुना है। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री 23 जनवरी को अपने मधुर मिलन समारोह के निमंत्रण के लिए इन दिनों अपने हल्के के गाँव के दौरे पर है। गाँव नाड़ौदी में उनका कार्यक्रम पूर्व सरपंच के घर रखवा दिया था, जो कि मौजूदा सरपंच के विरोधी खेमा है। ऐसे में गांव से एकमात्र एक वोट से चुनाव जीतने वाले सरपंच नरेंद्र इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। मंत्री बबली को कार्यक्रम में सरपंच के ना पहुंचने की बात हजम नहीं हुई। बबली ने पूछा कि एक वोट से जिताकर गांव ने गलती कर दी, आप गांव के विकास को रोकने का काम करेंगे, यह संभव नहीं होने दूंगा। गांव ने यदि लिखकर दे दिया तो कार्रवाई करवाएंगे, यदि गांव के कार्यों में कोई गड़बड़ी हो रही है तो सरपंच को पावर है कि वह उसे रोक सकता है, लेकिन गांव के काम को कोई नहीं रोक सकता। बबली ने कहा कि पंचायत मंत्री आए तो सरपंच को नैतिकता के आधार पर यहां होना चाहिए था। सरपंच जब चुने गए तो मैंने बधाई दी थी, लेकिन सरपंच द्वेष भावना से सरपंची ना करें, सरकार के पास बहुत से अधिकार है। काम चल रहे हैं, इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है। भैया मेरे कहा था सरपंच तो आएगा नहीं बिना पंचायत मंत्री के, बता गांव का विकास चल रहा है विनाश चल रहा गांव का, पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट दे के बना दिया, एक वोट की जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी, आप गांव को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पाल लें अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उसमें कार्रवाई भी होगी, कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों आज आप पंचायत मंत्री हो तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था अगर उसको गांव का विकास चाहिए तो। तो आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री यहाँ तो उसके यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया, उसका वोट के अधिकार से बना, एक वोट की हार जीत थी कोई मायने रखी, बना दिया, बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा दबेश भावना से आप अपने गाँव के सरपंच ना करें, ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेज दी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है, अगर ग्राम सभा चाहेगी गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड आर्ट कराया जा रहा है तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसे कोई भी सरपंच ये मत समझे कि उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है, मैं गुंडा बोल रहा हूँ भाई, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं, सेवक बन के जनता की सेवा कराओ, काम ना आगे बढ़ाओ, काम के विकास कार्य कराओ, गुणवत्ता की जांच आपका हक है, आप कमेटी बनाओ, निगरानी कमेटी बनाई, गांव भी इकट्ठा हो और जो भी चुनी पंचायत है आपका विधायक हो।